हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रवीण। देखिए, ये फोन जो मेरे हाथ में है, ये फोन मैंने आज परचेज किया है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा इस फोन के बारे में। और इस फोन का नाम है रेडमी नोट 9 प्रो। तो ये बहुत ही बढ़िया फोन है, बेस्ट फोन है अभी तक का, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम फोन है। मतलब काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस फोन को लेने का, और ये थोड़ा हाई कॉस्ट का, मतलब प्राइस ज्यादा है इसकी, तो इसलिए मैं ले नहीं पा रहा था। बट अभी मैं ले चुका हूँ ये फोन और आज ही इसको परचेज किया मैंने मार्केट से। तो ये फोन मैं बहुत दिन से परचेज करना चाह रहा था। इसका फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, और मुझे एक बड़े स्क्रीन का फोन चाहिए था, क्योंकि बड़े स्क्रीन का फोन मुझे अच्छा लगता है उसको यूज करना। तो इसकी जो स्क्रीन साइज है वो काफी बड़ी है, आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसमें आपको सारे फीचर्स भी बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें है। और इसके दो वेरिएंट आते हैं रेडमी नोट 9 प्रो का। पहला वेरिएंट जो है वो है 4 GB रैम और 64 GB रोम का, और ये है उससे बड़ा वेरिएंट, यानी कि 4 GB रोम और 128 GB रोम का। मतलब रैम इसमें 4 GB है और रोम इसमें 128 GB का रोम है, और एक्सपेंडेबल मेमोरी उससे भी ज्यादा है, हम आगे तक भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो फोन है, देखिए इसका लुक पहले देखिए, क्या कितना बेस्ट लुक है। मतलब अगर पैकिंग की बात की जाए, वैसे भी रेडमी ब्रांड जो है वो सबसे पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, तो मैं पहले से ही चाह रहा था कि रेडमी का ही फोन लूंगा, कोई भी लूंगा। और इससे कम प्राइस में भी और भी अच्छे फोन है रेडमी के, बट जो फीचर्स मुझे चाहिए था और जो स्क्रीन साइज और जो प्रोसेसर वाला फोन चाहिए था वो मुझे यही है मिला, तो इसलिए ये फोन मैंने लिया है। और थोड़ा सा ओवरलुक आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, इंडिया नंबर 1 फोन, मतलब इंडिया में सब चलने वाला सबसे बेस्ट फोन और पॉपुलर फोन ये रेडमी का आता है। उसमें भी रेडमी के फोन में भी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की फोन अगर आती है तो वो यही है, रेडमी नोट 9 प्रो। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसमें कंप्लीट दिखाता हूँ, इस बॉक्स के अंदर क्या है। इसके दो पार्ट्स आएंगे, आज तो मैंने खरीदा ही है, तो आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, और ठीक 1 महीने बाद इसका दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, रिव्यू वीडियो, यानी कि जब पहले मैं इसका यूज करूंगा उसके बाद आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो ठीक है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब जो वीडियो आएगी वो इसी मोबाइल से शूट होगी, और अब जो वीडियो की क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी में आप फर्क देखेंगे कल से, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा अपने इसी फोन से बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। और ये रहा हमारा बॉक्स रेडमी नोट 9 प्रो का। ये देखिए इस साइड से, सबसे पहले मैं इसका बॉक्स की लुक लुक दिखा देता हूँ इसको आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रांडिंग आ जाती है वो लिखा हुआ, आपको एम आई का ब्रांड नेम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 ब्रांड, और यहाँ पे फोन का नाम लिखा है रेडमी नोट 9 प्रो। ठीक है, तो इधर आते हैं तो इधर भी ब्रांडिंग दिखती है और इस साइड भी ब्रांडिंग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है डिटेल्स में, इसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुछ फीचर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो लिखा हुआ है, जैसे मोबाइल फ़ोन अडेप्टर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्ट टूल, यूजर गाइड एंड वारंटी कार्ड, सॉफ्ट केस, ये सब आपको इसके अंदर मिलता है। इस पर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस देखिए क्या लिखा हुआ, 17,999, बट मुझे ये कितने का पड़ा ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए ओपन करने के बाद ये बॉक्स इस तरह का दिखता है। इसके अंदर सबसे पहला जो चीज़ है वो ये हमें मिलता है, और इसके अंदर क्या क्या है ये हम खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल मिलता है, ये वाला, इससे हम सिम को निकाल सकते हैं, सिम जो ट्रे होता है उसको इससे निकालते हैं। अंदर देखिए अंदर हमें क्या मिलता है, एक ये वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कोई पढ़ता नहीं है फिर भी ये सारी कंपनीज ये प्रोवाइड करवाती है, तो इसमें आप इसको पढ़ के और यूज करना सीख सकते हैं। इसको साइड में रख देते हैं, और उसके नीचे जो हमें मिला है वो ये है, ये एक सॉफ्ट केस मिला है, इस पर भी काफ़ी अच्छी मतलब पैकिंग की गई है। इसको खोल के देख लेते हैं कि किस तरीके का इसका क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है। तो ये देखिए ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर में काफ़ी ट्रांसपेरेंट ब्लैक है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। इसको आप मतलब इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो सॉफ्ट है, ये टूटेगा नहीं जल्दी, तो अच्छा है, मतलब इसके साथ आया तो अच्छी क्वालिटी का ये। तो इसको भी अभी यहाँ पे रखते हैं, और अब देखते हैं कि और हमें क्या मिला है फ़ोन।
देखिए इसके बाद हमें ये हमारा ये ब्रांड न्यू फ़ोन आ जाता है और ये मेन चीज़ है। तो ये देखिए फ़ोन, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए देखिए ये है रेडमी नोट 9 प्रो ब्रांड न्यू। इसका सबसे पहले ऊपर से लुक देखिए, इसकी स्क्रीन साइज देख सकते हैं कितनी बड़ी है और काफ़ी स्लीक है, काफ़ी स्लिम है। और इसका मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट और इधर बैक साइड से देखिए। ये कलर काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसके 2 या 3 कलर वेरिएंट आते हैं, तो ये वाला कलर मुझे सबसे बेस्ट लगा है। और ये ग्लास मटेरियल टाइप में बना हुआ है, ये तो काफ़ी अच्छा इसमें शाइनिंग है, ग्लॉसी टाइप में आ रहा है। यहाँ पे 4 कैमरे आपको दिए हुए हैं। जो मेन फोकस, जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। आप यहाँ से नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 48 मेगापिक्सल। और ये फ्लैश लाइट है, बाकी 4 अलग अलग कैमरेज यहाँ लगे हुए हैं, जिससे एक नैनो कैमरा है, एक आप मेन कैमरा हो गया, और एक हो गया एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और एक लेंस हो गया। तो इस तरीके से इसमें ये सब कैमरे लगे हुए हैं। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है ऑन ऑफ का बटन, और ये वॉल्यूम की। और इस साइड देखिए, इस साइड में आपको ये मिल जाता है यहाँ पे माइक्रोफोन, ठीक है। और इस साइड में देखिए, यहाँ पे आपको सिम इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, पोर्ट दिया हुआ है, तो इससे आप सिम ट्रे को निकाल सकते हो और इसमें 2 सिम लगा सकते हो आप, और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और नीचे की साइड में देखें तो नीचे की साइड में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे आपका यूएसबी केबल के लिए दिया हुआ पोर्ट, और ये हेडफोन के लिए जैक दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ईयरफोन वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हैं। एक माइक्रोफोन है। तो देखिए ओवरऑल लुक जो है, लुक वाइज अगर बात करें तो कितना बढ़िया ये फ़ोन लग रहा है। और इसमें मैंने टेम्पर ग्लास लगवा लिया है आज ही, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी होता है। बाकी इसको मैंने सेटिंग कर ली है इस फ़ोन की, तो इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया, तो देखिए इसका जो डिस्प्ले साइज है वो फुल बेजल लेस है, मतलब साइड से आपको कहीं भी यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, मतलब बॉर्डर लाइन जो बाकी फोन्स में आते हैं वो नहीं है, बिल्कुल एंड तक यहाँ तक आपको यहाँ पे दिखता है ये स्क्रीन। तो इस फुल बेजल लेस स्क्रीन है। और डिस्प्ले की बात करें, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले इसका दिख रहा है, आप देख सकते हैं लुक में कितना डिसेंट दिख रहा है ये। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए काफ़ी स्मूथ चलता है, इसका टच भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है अभी, तो काफ़ी स्मूथ चलता है ये फ़ोन। और इसमें बाकी सारे अभी फीचर्स तो मैंने इसको ऑन अभी ठीक से नहीं किया, इसमें कुछ ऐप्स कैसे काम करते क्या वो सब मैंने अभी चेक करके देख लिया है। बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। कैमरे क्वालिटी की बात की जाए तो कैमरा भी मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। नाइट विजन में भी आप बहुत अच्छे तरीके से इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंसर भी दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि यहाँ से आप सिर्फ उंगली लगाएंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। तो वो मैंने अभी इसमें एक्टिवेट नहीं किया है, वो मैं करूँगा अभी इसको एक्टिवेट थोड़ा टाइम लेके। तो देखिए ये ओवरऑल मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके ये वीडियो दिखा दिया है कि ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट फ़ोन है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन ये बेस्ट फ़ोन है। तो प्राइस की बात करें तो इस फ़ोन की प्राइस जो है वो आपको ऑनलाइन अलग मिलती है और ऑफलाइन अलग मिलती है। तो मैंने ये ऑफलाइन लिया है, मतलब कि शॉप से ये परचेज़ किया है फ़ोन। तो मुझे जो शॉप पे पड़ा ये मुझे 15,000 का, ठीक है, 15,000 समथिंग का पड़ा है। बाकी आप ऑनलाइन अगर इसको आप परचेज़ करना चाहें तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पे आपको अलग अलग रेट पे मिल जाते हैं। बट एवरेज प्राइसिंग इसकी बात की जाए तो एवरेज में इसका 15,000 से लेके 1,500 15,500 के आसपास में ये फ़ोन आपको मिल जाता है। तो ये है रेडमी नोट 9 प्रो, और काफ़ी जैसा नाम है वैसा ये लग भी रहा है, मतलब प्रो यानी कि प्रोफेशनल इसका बनावट है, लुक भी है। और ये सब स्टिकर मैंने अभी हटाया नहीं है, क्योंकि ये अभी मैं नहीं हटाऊंगा, ये ऑटोमेटिक हटेगा, तो इस वजह से। तो देखिए और नीचे हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो जैसे ही हम फ़ोन को हटाते हैं तो उसके बाद हमें एक ये केस मिलता है, और इसमें क्या है देखता हूँ, ये इस तरीके का दिया हुआ है। देखिए ये ऐसे ही कुछ नहीं है, कवर है। और इसके नीचे हमें मिलता है ये, मतलब ये एक चार्जर का एडाप्टर है और एक टाइप सी केबल है। तो ये केबल की क्वालिटी देखिए, अच्छा केबल है, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और पैकिंग अच्छे से की गई है, तो इसका बढ़िया ये क्वालिटी में है। और नेक्स्ट देखते हैं ये चार्जर, देखिए ये 18 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जर इसको बोलते हैं। तो
चार्ज भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा और इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा mAh की बैटरी है तो इसको चार्ज होने में कुछ टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो चार्जर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कितने वॉट का है, ये है यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट ही दे रहा है, बाकी इसमें 18 वॉट का ही चार्जर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरीके से फास्ट चार्जर है और इससे काफ़ी इजीली ये चार्ज हो जाता है फ़ोन। तो आजकल जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें फास्ट चार्जर ही दिए जा रहे हैं। तो यह इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी हमें नहीं मिला है, मतलब जो पहले के फ़ोन्स में आते थे लीड, जो ईयरफोन्स होते हैं वो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हैं इस फ़ोन के साथ।